नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल HS News। इस पे मैं रोजाना लेके आता हूं सिर्फ आपके लिए गुड लक राशि, जिससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो और आपके जीवन में खूब तरक्की मिले। लेकिन मित्रों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए जरूरी है आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें यूं ही अपना प्यार आप देते रहें। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2076, आज के दिन का सूर्योदय 7:09 पे होगा। आज का दिन शुक्रवार का है। पौष मास कृष्ण पक्ष आज की तिथि प्रतिपदा है, जो कि सुबह 9:57 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि का मान। आज का नक्षत्र आद्रा है, जो अगले दिन सुबह 5:51 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का मान। आज का अभिजित मुहूर्त 11:55 दोपहर से प्रारंभ होकर के 12:36 तक। आज का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:57 से प्रारंभ होकर के 2:38 तक। आज का राहु काल सुबह 10:59 से प्रारंभ होकर के 12:15 तक। यदि आज के दिन आप पश्चिम की ओर यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं मित्रों, तो पश्चिम की ओर आज के दिन दिशाशूल है। हो सके तो आज की यात्रा कैंसिल करें, अन्यथा आवश्यक यात्रा होने पे राई या जौ खा के यात्रा करेंगे तो दिशाशूल का परिहार होगा। आज का त्योहार, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज के दिन से ही पौष मास का प्रारंभ हो रहा है। पौष मास हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अपनी एक विशेष खासियत लिए ही हुए होता है। हर मास के आराध्य देव भी होते हैं। पौष मास में भगवान सूर्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस मास में सूर्य देव की उपासना, उनके नामों का जप, जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था पूर्वक करता है, भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। अच्छी संतान को चाहने वाले इस महीने में भगवान सूर्य नारायण का व्रत करें या भगवान सूर्य को अर्घ दें, तो उनके कुल में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सुंदर निश्चित रूप से संतान उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं मेष से लेके मीन तक के राशिफल की। मेष राशि, आज के दिन आप आलस्य व थकान के शिकार हो सकते हैं, परंतु यदि आप पूरे आत्मविश्वास से किसी कार्य को करेंगे या अपने हाथ में लेंगे तो सफलताएं निश्चित प्राप्त हो सकती हैं। आर्थिक पक्ष के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु आपको आज के दिन धैर्य धारण करने की आवश्यकता है और अपने कार्यों में लगे रहने की आवश्यकता है। क्या करें, भगवान हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए ओम अंजनी पुत्राय नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। हनुमान जी महाराज की कृपा से आज का दिन आपका शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 9, आज के दिन का शुभ रंग लाल। वृषभ राशि, छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। आर्थिक स्थितियां सामान्य है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप वाहन आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के दिन हो सके तो स्थगित कर दें, क्योंकि कुछ आज ऐसा योग बना है जिससे आपके धन का नुकसान हो सकता है वाहन आदि। आज के दिन क्या करें, माता सरस्वती का स्मरण करके ओम सरस्वत्यै नमः इस महामंत्र का 11 बार पाठ करें,
फिर दिन की शुरुआत करके देखिएगा, दिन आपके अनुकूल होगा। आज के दिन का शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। मिथुन राशि, आज का दिन सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन साबित हो सकता है। निश्चित रूप से आज के दिन आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। व्यापारियों के लिए अनेक लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि आप आत्मनिर्भरता बनाए रखेंगे तो प्रत्येक कार्यों में सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। किसी कार्य को सोच समझ के ही करने की आवश्यकता है, अन्यथा धोखा भी खा सकते हैं। तो आज के दिन क्या करें, आज के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें और आज के दिन का महामंत्र ओम विष्णवे नमः 7 बार इस मंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिएगा, भगवान विष्णु की अनुकंपा से आज का दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। कर्क राशि, आय की अपेक्षा आज के दिन खर्च अधिक हो सकता है। अपने मन को एकाग्रचित रखने की आवश्यकता है, अन्यथा अस्तव्यस्तताएं बढ़ सकती हैं। अनावश्यक खर्ची से बचें, अपने शत्रुओं पे निगाह रखने की आवश्यकता है, अन्यथा शत्रु पक्ष से तमाम षड्यंत्र आपके लिए चल सकते हैं। भोगवादी प्रवृत्तियों से आप आज के दिन दूरी बना के रखें। क्या करें, माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 9 बार पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिएगा, माता महालक्ष्मी की कृपा आज के दिन आपको प्राप्त होगी। आज के दिन का शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। सिंह राशि, आज के दिन आय तथा व्यय सामान्य रह सकता है। व्यापारी अपने व्यापार के लिए कुछ नया सोच सकते हैं, जिससे आने वाले व्यापारिक जीवन में सफलताएं प्राप्त हो। विद्यार्थी यदि आज के दिन पूरी लगन से अपने कार्य में लगेंगे तो आने वाले एग्जाम में सफलताएं जरूर प्राप्त होंगी। यदि आप घर मकान प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जहां तक हो सके मित्र आज के दिन स्थगित करें, क्योंकि आज के दिन ऐसा ही योग है जिससे आर्थिक नुकसान आप निश्चित रूप से उठा सकते हैं। क्या करें, भगवान कुबेर का स्मरण करते हुए ओम कुबेराय नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 1, शुभ रंग सुर्ख लाल। कन्या राशि, कार्य स्थिति में सुधार होगा, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आज के दिन किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनैतिक व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके आने वाले जीवन के लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें, अपने कार्यों में व्यस्तता निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक बढ़ाएं या आप बढ़ाने का प्रयास करें। आज के दिन क्या करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करें। दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए विशेष शुभ रह सकता है। उम्मीदों से अधिक धन कमा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन आपके भाग्य का सितारा बुलंद है, आपका साथ दे रहा है। जीवन साथी से संबंध ना बिगाड़ें, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो सकता है, घर में उल्लास का वातावरण बन सकता है। क्या करें, अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए किसी देवालय में जा करके भगवान का पूजन करके या आशीर्वाद लेकर के या उनका प्रसाद लेकर के दिन की शुरुआत करके देखिएगा, आज का दिन निश्चित रूप से सफल आपके लिए होगा। आज के दिन का शुभ अंक 3, शुभ रंग रेशमी सफेद। वृश्चिक राशि, वाहन चलाते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है,
जीवन साथी से तालमेल बना करके रखें, अन्यथा अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है। अनावश्यक बात विवाद से भी आज के दिन बचने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य है। आज के दिन क्या करें, भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए महामृत्युंजयाय नमः इस महामंत्र का 7 बार पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिएगा, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 4 शुभ रंग लाल। धनु राशि, आज के दिन जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आज का दिन थोड़ा रूमानी भी साबित हो सकता है। व्यापारियों के लिए कोई नया साझेदार उनके जीवन में, मतलब आपके जीवन में उन्नति प्राप्त करा सकता है। जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। आज के दिन निश्चित रूप से निवेश किया हुआ धन आगे आने वाले समय में आपकी सहायता कर सकता है। आज के दिन क्या करें, माता दुर्गा का स्मरण करके दुर्गा देव्यै नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिएगा, माता दुर्गा की कृपा से आज का दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 5 शुभ रंग पीला। मकर राशि, आज के दिन थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने छुपे हुए शत्रुओं के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने प्लान कार्य को किसी के साथ शेयर न करें, अन्यथा धोखा खा सकते हैं। अनावश्यक खर्ची से बचें। साथ ही साथ भोगवादी प्रवृत्तियों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है, अन्यथा अनावश्यक धन भी खर्च हो सकता है और कलंक का टीका भी आपके माथे पे आ सकता है। क्या करें, भगवान काल भैरव का स्मरण करके आज के दिन का महामंत्र ओम काल भैरवाय नमः 11 बार पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिएगा, भगवान काल भैरव की कृपा से आज का दिन आपका शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 6 शुभ रंग काला। कुंभ राशि आज का दिन किसी भी प्रकार की विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ दिन साबित हो सकता है। नौकरी करने वाले यदि अपने कार्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो आने वाले समय में उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अपने मन में प्रसन्नता व उल्लास का वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यापारी लोग अपने व्यापार की उन्नति के उद्देश्य से कुछ छोटी बड़ी यात्राएं भी कर सकते हैं। क्या करें, भगवान गणपति का स्मरण करते हुए गं गणपतये नमः इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, दिन शुभ होगा। आज के दिन का शुभ अंक 7 शुभ रंग काला। मीन राशि, आज के दिन पीछे से चली आ रही तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। पारिवारिक तथा मित्र गणों के साथ आज का दिन आनंद पूर्वक बीत सकता है। यदि आप कोई नया वाहन खरीदने की इच्छा बनाए हुए हैं तो आज का दिन विशेष शुभ है, आज आप उसे खरीद सकते हैं। आज का दिन जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए उत्तम दिन साबित हो सकता है। क्या करें, भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करके देखिएगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज के दिन आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आज के दिन का शुभ अंक 8 शुभ रंग पीला। आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगा मित्रों गुड लक राशि, लेकिन पॉलिटिक्स स्पोर्ट बिजनेस की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें। आज का दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ तथा खुशहाल रहें। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।